रशीदा शफी वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए एहतमाम 38वें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मेहता वसीम अजहर, MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा के हमरा मोहल्ला रहमतपुरा में लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुमताज समाजी शख्सियत इम्तियाज कौसर, सेठ कमर खुर्शीद और मोजीन इलाका भी इस मौका पर मौजूद थे। मोहल्ला रहमतपुरा में नस्ब किए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए वसाइल MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने अपनी जेब से फराहम किए, जिससे इलाके के 30,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। ये फिल्ट्रेशन प्लांट सिटी MPA की तरफ से अपने जाती वसाइल से लगाया जाने वाला तीसरा प्रोजेक्ट है। डिप्टी कमिश्नर मेहता वसीम असर ने फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब पर इलाके के लोगों को मुबारकबाद दी और MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, इम्तियाज कौसर और उनके साथियों के जज्बे को जबरदस्त सराहा। डिप्टी कमिश्नर मेहता वसीम असर ने कहा कि जिले इंतजामिया फलाही मनसूबा जात की तकमील के लिए मुखय्यर हजरात की भरपूर हौसला अफजाई करती रहेगी। शहरियों को साफ पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए भी काम करने वाले अफराद मुआशरे के लिए काबिले फख्र हैं। MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने कहा कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब से फंड्स के हुसूल के साथ इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत में रिफाई मनसूबाजात मुकम्मल किए जा रहे हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मुमताज समाजी शख्सियत इम्तियाज कौसर ने बताया कि रहमतपुरा में लगाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट फी घंटा 800 गैलन पानी फराहम करने की सलाहियत रखता है। प्लांट की देखभाल रशीदा शफी वेलफेयर फाउंडेशन करेगी, ताहम अहले इलाका की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे साफ सुथरा रखें। उन्होंने बताया कि मजीद कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और जल्द ही उनका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। उस्मान तैयब, आवाज न्यूज, गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।